Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने ये वाली फाइट जाके देख ही ली होगी, टियाना कोबा एक बिगेस्ट एनाकोंडा वर्सेस एलिगेटर की फाइट हुई थी। अगर आप लोगों ने जाके वॉच आउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। बहुत दिनों बाद गाइज हम लोग जो है यहाँ पर GTA 5 को प्ले कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो गाइज पूरा सपोर्ट आप लोग दिखाना, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी चैनल पर हो तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो फाइनली गाइज तो हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं, और गाइज मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा पिटने की या फिर दोस्तों कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, आप लोग सुन ही पा रहे हो। लेकिन गाइज माइकल यहाँ पर अपना ड्रिंक करने बैठ चुका है, जिमी पीछे बैठा हुआ है, मेरे को उसकी आवाज़ आ रही है, और दोस्तों बाहर कोई पिट रहा है उसकी भी मुझे आवाज़ आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी गाइज मैं करने क्या वाला हूँ, सीधा जाने वाला हूँ बाहर और देखने वाला हूँ कि क्या सीन चल रहा है और कैसा क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जैसे गाइज मैं यहाँ से गैराज के साइड से बाहर निकलता हूँ, तो गाइज जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा मेरे को अपनी फोर्ड मस्टैंग मिलने वाली, जिसको मैं आज मॉडिफाइड कराने के लिए जाने वाला था। लेकिन गाइज ये क्या सीन है, जिमी बाहर है और साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट हो रही है, वो भी दोस्तों पिटबुल के साथ। अमांडा भी दोस्तों बाहर से घूम के मेरे ख्याल से वॉक करके आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि जिमी और पिटबुल काफ़ी तगड़ी तरीके से लड़ रहे हैं। फिर गाइस ये मुझे बाद में बोलते हैं कि पेट ऐसे मत पालो, पिटबुल काफ़ी ज़्यादा खूंखार होते हैं। अब भाई तुम एक पेट को मारोगे, लात मारोगे, फिर उससे बोलोगे कि भाई मुझे मत काटो, वैसे भी दोस्तों वो फ्रेंडली कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं तो गाइस अब तक का ना इसे पटक के गिरा चुका होता। फिलहाल आप लोग खुद ही यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो कि भाई माइकल भी यहाँ पर रोक रहा है कि जिमी रुक जा रुक जा, लेकिन गाइस जिमी इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। अभी दोस्तों फादर्स डे में उसने फादर्स डे विश भी नहीं किया और ऊपर से मुझे मार रहा है। बेटा मेरे हाथों ना मारपीट जाएगा, क्योंकि गाइस मैं तो बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, मुझे पता ही है, और मैंने बहुतों का वैसे भी दोस्तों खून वगैरह कर रखा है, तेरे साथ भी हो जाए कुछ ऐसा तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अब तो भाई है तो मेरा ही बेटा, लेकिन गाइस ओ भाई इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई, भाई मुझे मार रहा है, बात तो बता है क्या। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस है क्या, यहाँ पर ही क्या चल रहा है और किस लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल मैं तो अपनी जा रहा हूँ फोर्ड मस्टैंग को मॉडिफाइड कराने, इससे बात कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो ओके गाइस इन दोनों ने मुझे बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। जिमी ने बोला है कि भाई फार्मर के पास दो नए पेट्स आए हैं और ये गाइस उसको लेना चाहता है, लेकिन गाइस फार्मर ने यहाँ पर एक पिटबुल भेज दिया है जो कि वो चाहता है कि वो किसी को ना दे, अगर कोई आएगा उसे लेने के लिए तो उससे उसको लड़ना पड़ेगा। तो गाइस इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल अभी चलते हैं इस वाली गाड़ी को, हम लोग जो है काफ़ी तगड़ा मॉडिफाइड कराने वाले हैं। हमारे पास है फोर्ड मस्टैंग GT जो कि अभी पीछे से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है और आगे से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सैंडी शोर के एक लॉस सैंटोस के कस्टम पर, और वहीं पर जाके दोस्तों हम लोग जो है बिल्कुल डिटेल्ड में इसको मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं, और उसके बाद देख लेंगे भाई कि ये कैसे दिखती है, कलर चेंजिंग सब कुछ आप लोगों को डिटेल्ड में दिखने वाला है, ठीक है। तो जरूर से गाइस पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो फाइनली हम लोग लॉस सैंटोस के कस्टम पर आ चुके हैं, और ये लॉस सैंटोस का कस्टम आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फिलहाल जो लॉस सैंटोस का जो बीच वाला है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अभी जो है अंडर रिपेयरिंग चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो है इसको आर्मर्ड करा दिया है, आर्मर के बाद आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो मॉडिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर बम्पर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो पीछे मेरे को गाइस ये वाला काफ़ी अच्छा लगा, हाँ ठीक है, शेल्बी GTR का। और उसके बाद ऊपर वाला जो है मेरे को लगा वर्क मोटर वाला अच्छा लगा। पीछे हम लोग चेसिस लगवा देते हैं मस्टैंग का, इंजन हम लोग पूरा EMC अपग्रेड लेवल 4 कर देने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग फेंडर्स भी लगाने वाले हैं, फेंडर्स हम लोगों ने लगा दिए हैं, हुड्स हम लोग देख सकते हैं। अब हुड के लिए गाइज आप लोग ज़रूर से मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चार टाइप के हुड्स हैं, और जहाँ पर देखते हैं एक एक करके, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है, और पाँचवा ये वाला है। तो पांचवा तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि गाइस फर्स्ट और सेकंड ही सिर्फ फोर्ड मस्टैंग को GT वाला लुक देती है, तो सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। तो गाइस सेकंड वाला हम लोग यहाँ पर जो है चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है, तो $2500 का मैंने ये लगवा लिया। लाइट्स हम लोग पहले सबसे पहले नियॉन लेआउट करवाते हैं, जिसमें गाइस हम लोग फ्रंट बैक एंड साइड तीनों साइड हम लोग को लाइटें चाहिए, और कौन सी लाइटें चाहिए उसका कलर हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है मिंट ग्रीन और या फिर दोस्तों ब्लू कलर का। उसके बाद हेडलाइट्स भी हम लोगों ने करा दी हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी नंबर प्लेट को भी चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें एक राइड पर जाएंगे, देखेंगे राइड कैसी चल रही है।
बात आती है कलर की, तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर है, सारे के सारे कलर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ फोर्ड मस्टैंग किस में लगती है, रेड और ऑरेंज में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, तो हम लोग आज लाइम ग्रीन यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि लाइम ग्रीन काफ़ी ज़्यादा कूल लुक दे रहा है इसमें। ऊपर से गाइज हम इसका जो रूफ़ है वो दोस्तों ब्लैक करवा देते हैं, साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पर स्पॉइलर भी लगवा देते हैं। फिलहाल ये वाला जो स्पॉइलर है काफ़ी ज़्यादा चीप दिख रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो हम ये वाला ना करवा के सिंपल स्पॉइलर लगवाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, हम लोगों ने सिंपल लगवा दिया। सस्पेंशन हम लोग पूरे डाउन करवा देंगे, ट्रांसमिशन फुल करवा देते हैं, टर्बो ट्यूनिंग करवा देते हैं, और व्हील्स हम लोग दोस्तों इसको सेम रखने वाले हैं, और विंडोज की पूरी लिमो करा देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं बहुत ही तगड़ी राइड पर, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग लुक गाइस देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है हमारी फोर्ड मस्टैंग जीटी, कलर तो गाइस नेक्स्ट लेवल है, आप लोग खुद ही यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो। और गाइस सिटी में भी हम लोग जो है गाड़ी को चला रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, आप लोगों को साउंड, इंजन का साउंड, इसका पिकअप, साथ में इसका जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को सुनने और देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से गाइज मैं क्या करता हूँ, इसको लेके निकलता हूँ किसी और की तरफ, मैं आप लोग खुद ही यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो कितनी ज़्यादा मस्त और कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। और फिलहाल हम लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं, स्पीड टेस्ट इसका मैंने देख लिया, यहाँ पर जो इसकी मैक्स स्पीड है दोस्तों वो टच कर रही है यहाँ पर 350+, जो कि एक मैक्सिमम स्पीड है इसकी 350+, ये टच कर चुकी है, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो राइडिंग हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट कर ली है, फाइनली मैंने इसको जो है फुल्ली मॉडिफाइड करवा दिया है, काफ़ी कोई भयंकर इसका फ़ोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तो ओके गाइस, आफ्टर हम लोगों ने जब यहाँ पर लॉस सेंटोस कस्टम में आके पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने इसको मॉडिफाइड करा दिया, तो अभी दोस्तों मेरे को जिमी का कॉल आ चुका है, और जिमी ने बोला है कि डैड जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे समझौता करा दो, नहीं तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। और मेरे को भी उसने दो चार गाली दे दी एज अ फादर गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा गंदा पिटने वाला है, और पिटबुल फुल मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो जल्दी से गाइज अभी चलते हैं फार्मर के पास और देखते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे हम उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसका एंड क्या होगा, एंड देखने के लिए बने रहें गाइज वीडियो पर। और बहुत दिनों बाद हम लोगों ने यहाँ पर GTA 5 को प्ले किया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, ऐसा मैं सोचना मैं आप लोगों को कमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे कमेंट मैं आप लोगों को रीड करता हूँ, सारे कमेंट आप लोगों को पढ़ता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग जो है अंदर की तरफ में आ चुके हैं, कार देखो कितनी ज़्यादा धांसू दिख रही है, आगे जो उसका हॉर्स का साइन है वो सच में नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अपनी मेरी कार लेके आया और रेड कलर की आप लोग देख पा रहे हो, क्यूनिक्जैक अगीरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास है पिटबुल, ये रे गाइस वो दो छोटे छोटे बच्चे जो कि दोस्तों जिमी लेना चाहता है, वो पैसे में भी नहीं दे रहा भाई फार्मर, उसे लगता है उसको किसी ने सेल कर दिया है, वो मेरे ख्याल से उससे एडवांस पेमेंट भी ले लिया है, तो जिमी को वो कैसे दे दे। लेकिन जिमी भाई जिद पर अड़ा हुआ है और अपना रॉटवीलर लेके आ जाता है लड़ने के लिए, और यहाँ पर दोस्तों मैं भी समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ मार दूंगा बेटा निकल जाए यहाँ से, जब तक मैं समझाने की इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पर दोस्तों फाइट शुरू हो जाती है। और अभी दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पिटबुल ने इस रॉटवेलर जो कि मोटा रॉटवेलर है उसको दोस्तों काफ़ी तगड़ा गिरा दिया है। अब गाइस जो इनकी फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि पिटबुल जो है काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है, प्लस दोस्तों मस्कुलर भी है, मस्कुलर के साथ साथ आप लोग खुद ही चेकआउट कर पा रहे हो कि जो ये रॉटवेलर है वो काफ़ी ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा सुस्तपना दिखा रहा था, जिसके कारण से ये पिटा गया। ओ भयंकर, इतना तगड़ा उसने हाइड मारा कि भाई हमारी जो है कांच टूट चुका है। अब गाइस मेरा नुकसान तो बहुत तगड़ा हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि भाई मिरर जो है वो टूट चुका है और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा है। अब मिरर टूटने के कारण गाइस अब जो है मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गया है। अब तो भाई इसको पिटबुल इसको दचिए, मतलब इसको अंदर घुसा घुसा के मार, देखो कितनी ज़्यादा पावर है, कार को पूरी हिला के रख दे रहा है हमारा पिटबुल, इतनी ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। और भाई रॉटवीलर की हालत देखो आप लोग, कैसे एकदम घुसा घुसा के उसे मार रहा है बढ़िया, ठीक है। और जैसे गाइस इसको यहाँ पर मार रहा था, जिमी आ चुका है लड़ने के लिए, डैड आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब गाइज है तो मेरा बेटा, नहीं तो भाई मैं इतना ज़्यादा झेलता भी नहीं हूँ किसी को, सीधा गाइज मैं एक गन मारता हूँ और ये बंदा अभी यहीं पर मर जाए, ठीक है। लेकिन गाइज इसको चाहिए प्रसाद, तो भाई प्रसाद ले लो आप अपने डैड से, बेटा तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हमसे जीत जाओ, फिलहाल अच्छा है एक दो मार लोगे, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है कि भाई मुझे हमेशा की तरह मार पाए। देखो हमारा डॉग जो है वो भी दोस्तों हमसे जो है अच्छा है, वो दोस्तों जो है लड़ने आ चुका है, और साथ ही साथ में दोस्तों पिटबुल जो है मेरी हेल्प भी कर रहा है, जिमी को मार भी रहा है, ठीक है। लेकिन गाइज अब आप लोग देख पा रहे हो इसको ना बहुत ही गंदी भजने वाली है, अब देख गिनते रहो आप, 1 2 3 4
पांच, और पांचवे के बाद हमारे डॉग ने भी इसको जो है अच्छा गिरा के सबक सिखा दिया, ठीक है। फिर भी दोस्तों ये नहीं माना, इसने भाई फिर से मेरे ऊपर हमला कर दिया, और इस बार पिटबुल ने गाइस पूरा का पूरा ख़त्म तमाम कर दिया जिमी का, और जिमी की गाइस ऑलमोस्ट काफ़ी तगड़ा इंजर्ड कर दिया हमारे पिटबुल ने। तो फाइट आप लोगों ने देखी, पिटबुल हमारा जीत चुका है यहाँ पर, और जिमी को उसका सबक मिल चुका है। फार्मर तू भी जा बेटा रेस्ट कर, और इस वाली कार को भी कर देता हूँ ब्लास्ट, क्योंकि मूड हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑफ। पर दोस्तों आप लोगों को मूड ऑफ नहीं करना है, आप लोगों को बस ये वीडियो को एंजॉय करना था। आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मस्टैंग कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बता देना। लव यू ऑल एंड बाय बाय।